क्वेश्चन 16 में एक ब्लॉक है जिसके पास मास एम है, इस ब्लॉक की बात कर रहा है, स्मूथ सरफेस पर रखा है, मतलब अपन फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे। ए बी सी वेज है, इसका इंक्लिनेशन है, बेसिक सी थ्योरी बोल दी है इसने। फिर कहता है वेज को अपन आगे दौड़ा रहे हैं किससे, एक्सेलरेशन ए से टूवर्ड्स राइट। रिलेशन बताना है ए और थीटा में, जिससे ब्लॉक कैसा हो जाए बच्चों, अपना स्टेशनरी रह जाए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सूडो फोर्स लिखूंगा, क्योंकि फ्रेम है अपना वो राइट हैंड साइड जा रहा है, तो इस पे जो एक्सेलरेशन पड़ेगा वो पीछे की तरफ पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और एक माइनस डाल देते हैं, ठीक है। तो मास की जगह पे एम आएगा, एक्सेलरेशन ए हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इस पे जो पड़ रहा है वो पीछे की तरफ पड़ जाएगा, ठीक है। इस फ्रेम को अगर अपन दोबारा से सॉल्व करेंगे इस तरह से, लेट से थीटा हो जाएगा। देखो इस ब्लॉक को अब ध्यान से पढ़ना, फ्रेम पे कैसा एक्सेलरेशन है राइट साइड, तो इस पे कैसा पड़ेगा बच्चों, पीछे की तरफ पड़ेगा, और ये हो जाएगा एम इंटू ए। अब नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने डायरेक्शन बदल दिए हैं, ठीक। नीचे की तरफ आता है उसे कहते हैं हमेशा एम जी, फिर यहाँ से इसको अपन ब्रेक कर लेंगे, ठीक। तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा नॉर्मल, और ये एंगल भी क्या बनता है थीटा, बेसिक सा चल रहा है रिजोल्यूशन, ये हो जाएगा बच्चों एम जी कॉस थीटा। तो नीचे की तरफ क्या आएगा एम जी साइन थीटा, सिंपल हो गया यहाँ तक। तो इस एम ए को रिजोल्व कर लेते हैं अपन, से दो पैरेलल रेज हैं, ये एंगल तो सेम होने चाहिए, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ऊपर वाला एंगल भी कितना होगा थीटा होगा। इस एम ए को ऊपर लेके जाओगे तो क्या कह रहा है ये एम ए कॉस थीटा, रिजोल्व कर दिया मैंने, और नीचे की तरफ आएगा तो एक और बार क्या हो जाएगा एम ए साइन थीटा। अब फिर से इस प्लेन पे पढ़ते हैं, देखो नीचे की तरफ क्या बन रहा है बच्चों एम जी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ बन रहा है एम ए कॉस थीटा। इस पे क्या होना चाहिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तभी कहीं नहीं जाएगा ये, तो डायरेक्ट अपन लिख सकते थे कि एम ए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों एम जी साइन थीटा से। इससे अपन को क्या मिल रहा है कि एक्सेलरेशन होना चाहिए वो होना चाहिए जी टेन थीटा, और सिंपल सा एक कंसेप्ट है ये, आगे दौड़ाएंगे तो जी टेन थीटा होता है, पीछे दौड़ाएंगे नीचे गिरने के लिए जी कॉस थीटा होता है, जी कॉट थीटा होता है। तो यहाँ अपन को आगे भगाया गया है एक्सेलरेशन के साथ, तो जी टेन थीटा हमारा आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।